लोग ऐसे देख रहे थे हमें, जिस हालत में मैं आया हूँ ना, एक बार वो इधर वाली छोड़ रहे थे, एक बार उधर वाली। ये भाई एक नंबर ड्राइवर है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सो गुड मॉर्निंग भाइयों, उठ गए हैं सुबह, तैयार तो हो गए हैं। ठीक है, तैयार तो क्या हो गए हैं, आज तो बस इस वेशभूषा में जाने वाले हैं। ये भाई साहब ने पहन लिया टी शर्ट और शॉर्ट्स, और भाई मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट्स, क्या देख लो कैसे नॉर्मल शॉर्ट्स और चप्पल, आज इनमें जाएंगे। और आज हमें पहुंचना है दिल्ली, ज़रूरी है। और दिल्ली आज का हमारा स्टे है हयात रिजेंसी में, भिकाजी कामा में जो हयात है वहाँ पे, वहाँ हमें पहुंचना है आज। और अब यहाँ से बस ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। भाई लगभग 8 घंटे का रास्ता है, बीच में कहीं रुकेंगे तो लगभग 9 घंटे लग ही जाएंगे भाई। और अभी बजे है 9:30, तो शाम को 6-7 बजे तक हम पहुँचेंगे दिल्ली। सो भाई अब ये कार्ड सर चेकआउट कर रहे हैं, और ये बिल मिल देखते। सो ये जो है चेक हमारा लगेज तैयार है, आपका भूपेंद्र है ना, गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है भाई ऊपर, लगेज आपका लगेज ये रखा भाई ऊपर। ये 2 BHK है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी दिखा देते हैं, ये काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ये ना स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं हर जगह। ये पूरी किचन है विद डाइनिंग, और यहाँ वॉशरूम है, और ये वॉशरूम अटैच है इधर, मतलब रूम से भी है ये, तो वहाँ से दिखाता हूँ मैं। तो एक रूम यहाँ पे है, और ये बाथरूम अटैच है वहाँ से, और ये बालकनी है पूरी। एक रूम खुला है, ये एक रूम ये है भाई, पोछा मार रखा है भाई, सफाई रखी है, हाथी बना रखे है, और इधर इसमें वॉशरूम है। सो भाई काफ़ी अच्छे बने हुए हैं भाई, अगर आप कभी आओ इधर विद फैमिली तो नीचे 1 BHK जो हमने दिखाया था अपने वाला, और ये बड़ी फैमिली है तो यहाँ 2 BHK लेके मज़े कर सकते हो। अच्छा व्यू है, मस्त है, और स्टाफ बड़ा अच्छा है भाई। ये राजेंद्र और इसका स्टाफ है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है, एक नंबर का भाई। सो भाई कल हम निकल आए थे ऐसे ही सीधा, और हमने तेल नहीं डलवाया, और अब हमारे पास तेल है बिल्कुल लिमिटेड, लगभग 90 किलोमीटर का अभी हमें रेंज दिखा रहा है गाड़ी में। और किसी ने बोला था कि मिल जाएगा मुक्तेश्वर या रामगढ़ में, भवाली है एक जगह, वहाँ पे ही हमें पेट्रोल पंप मिलेगा, तो वहाँ जाके पहले तो भाई डीजल फुल कराएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। सो भाई अब फाइनली डीजल डलवाने के रुक गए आप। ये पहले इस JCB का पंजा नीचे था भाई, यहाँ जाम लग गया, फिर इसने पंजा उठाया और फिर निकाल ली, समझदार ड्राइवर। ये देखो फिर नीचे कर लेगा, ये भाई एक नंबर ड्राइवर है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अगर ये चाहता ना इस लाल गाड़ी को उठा सकता था, बट उसने देखा कि यार ये शेवरले की गाड़ी है, इनका ठीक भी नहीं होगी, अब कोई है भी नहीं इनका वाली वारिस। उसने छोड़ दिया उन्हें, और ले देके थोड़ा सा जाम लग गया, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये है भीमताल, वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत है भाई। एक हिसाब लगाया, ये भीमताल है ना जो, ये वो नैनी लेक से ज्यादा बड़ा है भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो भाई अब हम आ गए हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी से हम हल्द्वानी बाईपास से दिल्ली का रोड पकड़ेंगे। और पीछे काफ़ी देर ट्रैफिक रहा, कुछ बिल्कुल जाम था क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और सिंगल सिंगल लेन चल रही थी, एक बार वो इधर वाली छोड़ रहे थे एक बार उधर वाली। तो सही है भाई, ये हल्द्वानी का बाईपास रोड है ऐसे सीधा। लो भाई एक बस बायो ब्रेक के लिए रुके थे, और अब ड्राइविंग सीट कर लिए चेंज, और हम आ चुके हैं। कितने किलोमीटर चल लिए हम? बहुत चल गए हम, कितना चल गए? बहुत तो हम बहुत चल गए,
सौ किलोमीटर चले हैं। कुछ लास्ट का एक 100 किलोमीटर तो हमने लगभग 45 मिनट्स में क्रॉस कर दिया। तो अब हम रुके हैं यहाँ हवेली प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे, कुछ खाते हैं भाई फिर चलो। बताइए सर पे सूरज निकल आया, एक निवाला नहीं गया पेट में भाई। लंच अपना हो गया, लगाओ भाई नेविगेशन। डीएफ का भी लेवल थोड़ा कम हो गया। डेस्टिनेशन पे और ये आ गए हैं यहाँ फिनिश लिखा हुआ है और लगभग उसमें जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 7:30 बजे को और हम 5:30 बजे ही पहुँच गए, तो बड़ी जल्दी पहुँच गए हम। सो भाई चेक इन कर लिया है, रूम नंबर अपने को उसी साइड मिला है 317। सो भाई अपना लगेज आ जाएगा रूम में और अपन चलते हैं। तो भाई कार्ड लगाओ तो ही नंबर दबेगा कार्ड, अगर ये रूम की नहीं लगाओगे ना तो नंबर नहीं दबेगा। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। सो भाई अपन आ गए हैं, लोग ऐसे देख रहे थे हमें जिस हालत में मैं आया हूँ ना, और विनय तो फिर भी थोड़ा सा आदमी लग रहा है। इस साइड विनय 317 इधर है, इस तरफ है दरवाजे 317 बाईं तरफ खुलेंगे या दाईं तरफ खुलेंगे भाई, दाया राइट साइड ही होता है ना। तो ये है अपना ये दप्पा ये वाला। सो भाई ये एंट्री करते ही यहाँ पे जिसने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, हम हयात में चौथी बार आए हैं भाई, फोर्थ टाइम रुक रहे हैं। छोटा सा यहाँ पे ये बाथटब है जिसका हम कभी यूज़ नहीं करते, दरवाज़ा बंद कर दूँ मैं। यहाँ पे ये अलमीरा है, यहाँ पे आप अपना सामान रखेंगे, सूटकेस वगैरह रखेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे टीवी है भाई, यहाँ पे पानी रखा हुआ है और ये पानी ना वो है मतलब बोटल्स वैसे यूज़ कर रहे हैं कांच की, और ये अच्छे से साफ़ होके फिर ही पानी भरा जाता है दोबारा। ये हमने ये बेड है अपना, और ये भाई चेयर, और ये छोटा सा एक काउच, और ये एक टेबल, और भाई ये हमेशा इसी साइड देते हैं हमें, हमेशा अपने को यहीं मिलता है। ये देखो यहाँ पे एक इंडिया का फ्लैग दिखता है, ऊपर इंडिया का फ्लैग दिखता है, साइड में ये बिल्डिंग दिखती है, पता नहीं EIL की बिल्डिंग है किसी, तो सही है भाई। तो ये रूम है, मैं भी सामान रख दूँ भाई। खींच दिया आज प्रोग्राम ना, खिचम खींच, बहुत तेज़ गाड़ी चला के पहुँच ही गए, मतलब टाइम से पहुँच गए, 5:30 बजे ही पहुँच गए, और ETA था 7 बजे का, 7:30 बजे का। रुकने के बाद हम रुके भी 40-45 मिनट, हमने खाना खाया और तक ही रुके नहीं, और बस पहुँच गए। चलो अब करेंगे रेस्ट, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल है हमारा मीडिया ड्राइव, रात को खाना खाएंगे जब कुछ टाटा के जो हैं जानने वाले उनसे मिलेंगे, तो मिलते हैं अभी।